केंद्र सरकार से देश भर में जातीय गणना, कमरतोड़ महंगाई और नई शिक्षा नीति के विरोध में असरगंज मुख्य बाजार स्थित सुधा कृष्ण विवाह भवन में राजद के द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद वसीम ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राजद युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, पूर्व MLC प्रत्याशी डॉक्टर नितेश मौजूद थे। बैठक में सर्वसम्मति से बदरखा गांव निवासी शंकर यादव को राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष घोषित किया गया एवं सर्टिफिकेट दिया गया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि के लदौरा मोड़ असरगंज पहुंचने पर राजद नेता संजय यादव, आसिफ खान और विजय पंजियार के नेतृत्व में फूल माला और बुके देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके उपरांत सैकड़ों कार्यकर्ता शंकर यादव के नेतृत्व में घोड़े और ढोल नगाड़ों के साथ प्रखंड कार्यालय से असरगंज मुख्य बाजार तक पैदल मार्च करते नजर आए। इस मौके पर प्रखंड राजद अध्यक्ष मनोहर कुमार, मनीष कुमार, नरेश सिंह यादव, मोहम्मद नसीम, तबस्सुम अकरम आदि लोग मौजूद थे। मुंगेर से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। बिहार के प्रदेश युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी आए थे, उनका हम लोग जोर से ढोल नगाड़े घोड़ा के साथ स्वागत किया और हम लोग गर्मजोशी से उनका फूल माला से स्वागत किए। हम लोग की तैयारियां हैं 2024 की, जो बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। घर घर जाकर चौपाल, ग्राम चौपाल लगाकर सभी को तेजस्वी प्रसाद यादव जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, उनका सभी ग्राम पंचायत में जाकर सभी घर घर जाकर जानकारी देना है। और बीजेपी जो ढोंग की काम कर रही है, गरीबों को ठग रही है, झूठी वादा कर रही है, उसे सब गरीबों को बताना है कि आप लोग उसके माफ़ी में रहिए। गैस सिलेंडर का देखिए 400 मिलता है, अभी 1200 मिल रहा है। हर चीज़ में झूठी वादा करके सिर्फ सरकार को मंत्री करते हैं गरीब को, और गरीब महंगाई से परेशानी में है। इसलिए हम लोग हर ग्राम चौपाल लगा करके और हर गरीब को यह दे रहे हैं, कह रहे हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो काम कर रहे हैं, शिक्षा की बहाली देखिए हजारों हजारों लाखों लाख बहाली कर रहे हैं। हम लोग ये जानकारी हर घर में जाकर के हर गरीब गुरु को ये जानकारी देने का हम लोग को माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू जी के आदेश है कि हर गरीब को जाकर के यह संदेश बताइए और झूठी वादा करने वाले बीजेपी सरकार के खिलाफ सभी जानकारी दीजिए, वो जो ठग रही है गरीब को। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शंकर यादव, युवा राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष। देखिए राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रकोष्ठ आदरणीय लालू जी के मार्गदर्शन में विभिन्न जिलों में जाके अपना कार्य कर रही है। इसी सिलसिले में आज युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी आए थे, जिनका पूरे बिहार में ग्राम चौपाल के माध्यम से लोगों का जगाने का काम किया जा रहा है। जो बेरोजगारी है, महंगाई है, नई शिक्षा नीति है और जातीय जनगणना की मांग को लेकर पूरे बिहार में युवा राजद का दौरा चल रहा है। इसी सिलसिले में हम लोग आज असरगंज भी आए हुए थे और आगे भी लगातार बिहार में इस तरह का भ्रमण कार्यक्रम चलता है। महंगाई तो देखिए जब जब बीजेपी की सरकार आती है तब तक महंगाई बढ़ जाती है। जब यही महंगाई कांग्रेस के शासनकाल में थी, 400 में सिलेंडर मिल जाता तो बीजेपी के द्वारा कहा जाता था महंगाई इतनी है कि उसको महंगाई के मांग पर ही सरकार में आ गई। लेकिन जब उनकी सरकार आई तो महंगाई से 4 गुना बढ़ गई। अब मोदी जी को जवाब देना चाहिए महंगाई का मोह क्या होता है, जो उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए कहा। देखिए युवा राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पूरे बिहार में 12 अक्टूबर से ही ग्राम चौपाल कार्यक्रम चल रहा है। मुंगेर के भी हमारे साथी और जिला के जो जिला के अध्यक्ष आसिफ जी, इनके नेतृत्व में 12 अक्टूबर से लगातार ग्राम चौपाल का कार्यक्रम सभी गांवों में चल रहा है। हम उसकी तैयारी के लिए आए थे, जिसका समापन 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर राज्य के सभी 534 ब्लॉक मुख्यालय को होना है। इसमें हमारा केंद्र सरकार से मांग है कि देश भर में जातीय जनगणना कराए, इस देश के नौजवानों को जो उन्होंने वादा किया था रोजगार देने का रोजगार दें, महंगाई कम करने का वादा किया था वो महंगाई कम करें, गरीबों की संख्या कम करने के वादा किया था गरीबों की संख्या कम करें, और नई शिक्षा नीति, अगर यह शिक्षा नीति रह गई तो इस देश का दलित ODC तबका शिक्षा से दूर हो जाएगा, इसको वापस करें। इन सारे सवालों को लेकर हम अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के संदेशों को लेकर हमारे युवा साथी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज असरगंज प्रखंड में बैठक हुई है, हमारे साथी लगे हैं। 26 तारीख को सभी प्रखंडों में ऐतिहासिक रूप से हजारों की संख्या में जुट करके अपने मांगों के समर्थन में अपनी एकता का परिचय देंगे।
एक तरफ देश के संविधान, भारत के संविधान के मानने वाले लोग होंगे, दूसरे के तरफ इस देश पर मनुस्मृति के संविधान को थोपने वाले लोग होंगे। इसी देश भारत के बीच में लड़ाई है और मनुस्मृति के मानने वाले लोग कहीं टिकेंगे नहीं।